इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। किसी को लेकर उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट दो दिवसीय चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न जनप्रतिनिधियों से सर्किट हाउस में मुलाकात की। इसके पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने बताया कि इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसमें नव मतदाताओं के साथ अन्य मतदाताओं से भी लोकतंत्र के महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि युवा मतदाताओं से भी विशेष तौर पर मतदान करने के लिए अपील की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले माह के प्रथम सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस बारे में बात हुई है, जो कि मतदाताओं से डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रहे हैं। स्वीप का अभियान जो है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और मेरी भी सभी आम जन से भी गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोग शत प्रतिशत मतदान यहाँ पर होना चाहिए। लोग इतने जागरूक भी हो चुके हैं और पिछले दो इलेक्शन से जो स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये स्पष्ट जाहिर है कि अपना जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। और जैसे विधानसभा चुनाव में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वोट डालने से कतराते हैं। उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट की वजह से या किसी पार्टी की वजह से या किसी आइडियोलॉजी की वजह से, तो उसमें भी नोटा का एक प्रोविज़न है कि अगर आप किसी से संतुष्ट नहीं हैं तो नोटा में वोट डालिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए कि आपके मन की बात क्या है। आप मन आइए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे बड़ा स्तंभ है और सबसे बड़ा अधिकार है यहाँ के सिटीजन को, और ऐसा अधिकार भारत में जो है वो किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य राष्ट्र में नहीं है। और हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, 18 साल की उम्र से ऊपर वाला व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है और अपनी राजनीतिक सरकार चुन सकता है। जितना हम मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे, जितना एपिक कार्ड हर बार चुनाव से पहले कोशिश की जाती है, जो नए वोटर्स हैं उनको एपिक कार्ड दिया जाए, जो पुराने वोटर्स रह गए एपिक कार्ड जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कोशिश यही रहती है कि जितना चुनाव एपिक कार्ड के थ्रू हो उतना अच्छा है, लेकिन जो चुनाव आयोग है उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड जो भी और आईडीज़ के लिए अनुमति दी है उससे भी वोट डाला जा सकेगा, जो उनके नियम और कायदे हैं उसके अनुसार ये डाला जा सकेगा। विधानसभा की तैयारियां चित्तौड़ जिले में बहुत ही अच्छी तरह चल रही हैं और होम टू होम सर्वे भी बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। 92% कार्य उनका पूरा हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज यहां सजग हैं। यहां विधायक, अभी आज जो हमने मीटिंग बुलाई है उसमें विधायक जी भी आए हैं और अन्य पार्टीज के लोग भी आए हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी को जाननी है कि 19-9 तक जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को कोई ऑब्जेक्शन करना है, जो 21-8 को हमारा पब्लिकेशन हुआ था उसके संबंध में, तो वो 19-9 तक कर सकता है। उसके बाद भी हमने कई स्पेशल अभियान दो बार चलाए हैं और वो स्पेशल अभियान 26-27 अगस्त और 9 और 10 सितंबर को चलाए, जिसमें भी लोगों से कोई आपत्ति हो तो प्राप्त हो। वहाँ जो कोई चेंजेस थे उसको ग्राम सभाओं में पढ़ के सुनाया जा रहा है, और ये जो हमारा सारा जो इलेक्ट्रॉल रोल है वो सारा का सारा 4-10 को फाइनल हो जाएगा, फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। 19-9 इस